अगर आपने भी फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट को बाई किए थे और प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है तो उसमें आपको ओपन बॉक्स का एक फीचर मिला होगा। बट फ्रेंड्स, आप ओपन बॉक्स डिलीवरी को आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट के पॉलिसीज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी को रिटर्न किया जा सके। हाँ, रिटर्न कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पर देखना होगा अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है, अगर प्रोडक्ट टूटा हुआ है, फटा हुआ है, या अगर फिजिकली कहीं पे वो डैमेज दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा बट आपका वो रिटर्न अप्रूव नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यह बताऊंगा कि आप उस तरीके के प्रोडक्ट को भी आप यदि रिटर्न कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जब रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मेल आती है आपको। उस मेल में या आपको व्हाट्सएप पर भी ऑफिशियली मैसेज भी आ सकता है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो डैमेज वो प्रोडक्ट है ना, उसको वहाँ पे फोटो क्लिक करके और जो फोटो आप सेंड करोगे वो थोड़ा हाई क्वालिटी में होना चाहिए, जिसका इस इमेज का जो साइज़ है मैक्सिमम वो 10 MB है। 10 MB से ज़्यादा वो फोटो का साइज नहीं होना चाहिए, उसको आपको सेंड करना होगा। लेकिन काफ़ी लोग यहीं पर मतलब फंस जा रहे हैं कि आखिर वो फोटो कैसे अपलोड किया जाएगा, उसको कैसे सेंड करना है। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फोटो को कैसे सेंड करना है, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपको रिटर्न कब तक हो जाएगा, पिकअप करने कब आएगा, पिकअप करने के दौरान क्या क्या चीज़ चेक किया जाएगा, ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे फोटो को कैसे सेंड करना है। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो या कोई और प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हैं। इस आईडी पर आप जाइए, तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उतना ज़्यादा मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता। हाँ, करता हूँ बट थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ। अब जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और वहीं तुरंत मैसेज कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जब ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस शो होगा। अपने को ऑर्डर के सेक्शन पर टैप करना है एंड ऊपर में आपको यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन शो होगा। जस्ट इस पर वन टैप करेंगे एंड उसके बाद जो भी आपने ऑर्डर अभी तक किए होंगे सारे ऑर्डर का लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अपने को देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि ऊपर मेरा दिखा रहा रिफ़ंड एक्सेप्टेड, हालांकि रिफ़ंड एक्सेप्ट नहीं हुआ था, अभी हुआ है। तो अगर आपको रिफ़ंड एक्सेप्ट करवाना है तो आपको सबसे पहले फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ मिलेगा आपको कैंसिल रिटर्न और नीड हेल्प का ऑप्शन। काफ़ी लोग नीड हेल्प के ऑप्शंस पे टैप कर रहे हैं बट अपने को नीड हेल्प के ऑप्शंस पे टैप नहीं करना है। नीचे में देखो तो फ्रेंड्स यहाँ मिलेगा सी ऑल इशू, जस्ट आपको इस ऑप्शंस पे टैप करना है। इस ऑप्शंस पे टैप करेंगे जैसे ही तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सभी फ़ोटोज़ को मैसेज को यहीं से अपलोड किया हूँ, सेंड किया हूँ। आपको सिंपल से अपने ऑर्डर सेक्शन पे टैप करना है, यहाँ आपको ऑर्डर शो हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे तो मेरे यहाँ पे सारे प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जो हुआ है यहाँ पे शो रहा है। अपने को सिंपल से यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे टैप करना है। जैसे फ्रेंड्स आप कॉन्टैक्ट अस पे टैप करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे आपको न्यू ब्राउज़र पर, और यहाँ आपको मिलेगा राइट टू अस, आपको इस पर टैप करना है। एंड फ्रेंड्स आप यहां पे देखोगे तो यहां आपको मैसेज शो करेगा एंड यहां आपको कैमरे का एक ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आपको ऐड इस पे इमेज पे टैप करेंगे और अपने यहां पे ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे उस फोटो का जो साइज़ होगा वो 10 MB तक होगा। 10 MB से कम रहेगा चलेगा, बट 10 MB से ज़्यादा रहेगा तो वो फ़ोटो यहां पे अपलोड नहीं हो पाएगा और आप यहां पे सेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम कि फ़ोटो को ज़्यादा MB से कम MB कैसे किया जाता है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगी, आप सर्च करोगे किसी वेबसाइट की मदद से आप वहाँ पे कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पे क्लिक किया था। फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऐसे अपलोड किया हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, मेरे साथ क्या क्या हुआ था मैं यहाँ पे सारा कुछ अपलोड देखिए पहले से ही कैप्चर करके रखा है। तो मैं किसी एक फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फोटो को जब आप सिलेक्ट कर लो यहाँ फोटो ऐड हो जाएगा। आप एक बार में सिर्फ एक फ़ोटो ही भेजिएगा, आपको अब मल्टीपल फ़ोटो भेजने का ऑप्शन है। मैक्सिमम आप 8 फोटो सेंड कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक फ़ोटो सेंड कीजिएगा तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि हाई क्वालिटी में सेंड होगा। आपका यहाँ पे किस प्रॉब्लम से आप रिफंड जाना चाहते हैं वो यहाँ पे मैसेज को आप मैन्युअली यहाँ पे टैप कीजिएगा, और टैप करने के बाद आपको सबमिट पे टैप करना है, उसके बाद आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। जिसके बाद आपको मतलब 24 आवर्स से पहले ही रिजल्ट शो हो जाएगा, यानी जैसे ही वो लोग आपका प्रॉब्लम को देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ रियली में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको रिफंड को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे इस तरीके से शो होगा। मैं बैक करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे रिफंड एक्सेप्टेड यहाँ पे शो रहा है ना मेरा, देखिए एक्सेप्टेड ग्रीन कलर में इस तरीके से शो हो जाएगा। आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखा दिया जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है और यहाँ पर रिफंड कितने दिन में आ जाएगा, यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बट पहले आपको फोटो सेंड करना होगा। फ्रेंड्स मेरे केस में मेरा डिवाइस तो था वो ओपन बॉक्स था, ओपन बॉक्स होने के बावजूद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना
आइटम वॉज ओपेंड एंड वेरीफाइड इन द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओपन बॉक्स था बट मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे बैक पैनल डैमेज मिला, बट मैं रिफंड रिक्वेस्ट ऐप सेट करवा लिया हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका रिफंड कितना आएगा, कब आएगा, क्या क्या और आगे प्रोसीजर है कंप्लीट करने का, सारा कुछ सीखेंगे। एंड कर रहे फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।